अभिषेक भाई आप तो सोशल मीडिया पे हो, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आप जब कभी अपने फैंस के लिए कोई फोटो वगैरह डालते हैं या कोई प्रोमो डालते हैं, आपको पता है हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ ए वन पर्सन जो ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे लेके आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। ये अभिषेक भाई ने फोटो डाली है, लुक्स लाइक द रिक्शा वाला ऑफ जयपुर, सपोर्ट द जयपुर पिंक पैंथर्स, हैशटैग रोर फॉर पैंथर्स। ओके चलिए तो कमेंट्स पढ़ते हैं। आपकी टांगे इतनी लंबी हैं, पीछे की सीट पे बैठ के भी चला सकते हैं। किसी ने लिखा वाह रे पेट्रोल, तेरी वजह से बड़े बड़े लोग सीएनजी वाली गाड़ी पे आ गए। और दिखाइए। आपको तो स्टेशन पर सबसे आगे रिक्शा लगाने को मिल जाता होगा, क्योंकि बच्चन जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू है। सर जी मैं कांदीवली में रहता हूँ, जयपुर से आते हुए घेवर लेकर आना, मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा। और दिखाइए। योगा डे एवरी डे और ब्रूनो। अच्छा और पीछे कौन है? वो ऐसे घोड़े हैं। ये कहाँ की फोटो है? चित्रांगदा पहलगाम। कौन सा वाला? बक्सर? कौन सा इनमें से? बस्टर पीछे वाला है, ब्रूनो आगे वाला है जो कभी नहीं सुनता। बहुत बड़े प्यारे हैं। दिखाई भी नहीं सुन रहे थे इसलिए वो पीछे जाके बैठ गई है। पीछे जो घोड़ा खड़ा ना उसने मुंह उधर कर लिया, कहता जिंदगी तो कुत्तों की है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए नीचे। ओह दिस इज गोना बी क्लासिक। मैडम पर्स में एक पैसा नहीं लेकिन आपकी फोटो रखता हूँ और खुद को धनवान समझता हूँ। उसको आगे रिप्लाई भी आया किसी का कि फिर तो पर्स भी तुमने किसी का मारा होगा। मारा होगा। वाह मैडम आपके तो कुत्ते भी फोटोजेनिक हैं। और दिखाइए। एक्चुअली वो कैमरा की तरफ देख के खिंचवा रहे हैं फोटो, देखो आप। कुत्ते की जगह आप मुझे साथ बिठा लो, कितनी भी फोटो खींचे हो मैं आप ही को देखूंगा। ये कमाल है। मैडम आप हमें कुत्ते धोने के लिए रख लो, मेरे पास 3 साल से भैंस धोने का एक्सपीरियंस है। आप मेरे पति को योगा सिखाएंगी क्या? आपको देखने के चक्कर में शायद वजन कम कर भी ले। और दिखाइए। इन बिटवीन टेक्स आई शूटिंग द ब्यूटीफुल ट्रैक चोंच लड़ियां। चलिए जी मनमर्जियां के टाइम की ये फोटो है, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। ओए इतना लंबा कमेंट। सारी सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें और धो लें, फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के जीरा प्याज डालें, फिर आलू और फलियां डाल दें और ढक दें। थोड़ी देर बाद स्वाद अनुसार नमक मिर्च हल्दी और धनिया डाल दें, सब्जी तैयार। प्यार से परिवार को परोसे, मैंने रेसिपी बता दी है, अब बैठे ना रहे सब्जी बनाए और खाए। और दिखाइए। अभिषेक भी लाइक एक दिन खाना बना के क्या खिला दिया, रोज ही मुझसे बनवाने लगे। पाजी आपने क्या पजामे के कपड़े से खटिया बनाई है? कहा था ना अनुराग के साथ काम मत करो, ये गरीब बना के छोड़ता है। दिखाइए। और वो अनुराग यार, अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना कुछ आपसे हमें कहना जरूर था। ओह उमराव जान। दिखाइए कमेंट्स। हाँ ये अभी प्यार से पढ़ना अभी था। जी आप सामने आओ तो हम भी वादा करेंगे, आप सामने आओ तो हम भी वादा करेंगे आपको, सीधा चलेंगे तुम्हारे घर छोड़ के अपने बाप को। अच्छा उसकी पोएट्री करी है। फोटो खिंच गई हो तो कुर्सी छोड़ दो, दादाजी खड़े खड़े थक गए। एक्चुअली ये कुर्सी होती थी ऐसे ना पहले। ऐसी कुर्सी हमारे घर में भी होती थी, हम बड़ा उसमें ऐसे उंगलियां करते रहते थे, बड़ा मजा आता था। इतने प्यार से मत देखो, फिर हमें अपनी लुगाई को प्यार करना पड़ेगा।
आगे दिखाइए. बस अच्छा. ओह, 4 days 2102 not out. ओके. Pout game strong. जी, कमेंट्स दिखाइए. बिग बी बी लाइक बुड्ढा होगा तेरा बाप. लगता है ब्लैक एंड व्हाइट आपके फेवरेट कलर हैं. आपकी दाढ़ी काली और कपड़े व्हाइट. अमित जी की दाढ़ी सफेद और कपड़े काले. सेम टू सेम. हमारी बीवी जब घर पे नहीं होती हम भी ऐसे ही खुश होते हैं. That's a good one, I have to say. और दिखाइए. चित्रांगदा, मी मार्चिंग इनटू कोरोना फ्री टाइम्स. ओके, उदयपुर की. ओके, दिखाइए कमेंट. वाह, बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है. वेरी नाइस. ओके, पीछे वाले भाई साहब की 60 साल की नौकरी में आज सबसे बढ़िया दिन है. This is really embarrassing. इसे कहते हैं ऊपर वाले की प्रीमियम कलेक्शन. वाह, अंकल भी लाइक धीरे चल पगली, घुटने का ऑपरेशन हुआ है. This is... और दिखाइए. This man has become famous now. ये सच में कमेंट्स हैं? हाँ हाँ, really. नहीं नहीं, सीरियसली जनता के होते हैं. Really? बुढ़ापा सिर्फ जवानी के सपने देख सकता है, उसे पकड़ नहीं सकता. चित्रांगदा, आपकी जैसी लड़कियों की वजह से लोग 70 में भी रिटायर नहीं होते. ओके, और ओह फिनिश. ये सबसे मजेदार सेगमेंट लगता है मेरे को. It was fantastic. It was really funny. पर अब क्या हो गया है, जब से हम लोगों ने ये सेगमेंट ऐड किया ना अपने शो पे, अब लोग बहुत मात्रा में करने लगे हैं. Oh, really? और अच्छी बात है कि फनी कमेंट्स लिखते हैं. Yeah, no, it's great. These are cute ones. Love you, बड़े लोग. बड़ो, love you guys, बड़ो. अर्जु. Yes. मेरा बच्चा है तुम. कपिल. मेरा बच्चा है तुम. बहुत बहुत धन्यवाद. एबी जी. मेरा बच्चा है तुम. चित्रा जी. आपका बाबू हूं मैं. क्यों, ये आपकी बच्ची नहीं है? बड़ो, मैं बहुत शाड़ा हूँ, मेरे को मालूम है किसको बच्चा बनाने का है और किसका बाबू बनने का है. बड़ो, लव यू बड़ो. आज बहुत खुशी हो रहा है बड़ो मेरे को, आज अपने शो पे बड़ो ए बी सी आई ले. मतलब अभिषेक बच्चन चित्रगंदा. दादा चित्रांगदा. हाँ, चित्रांगदा. चित्रांगदा. चलो दीना दिंदा, खत्म करो यार. शेख भाई, ये हमारे मोहल्ले के नकली जग्गू दादा हैं. नकली क्या होता है, मैं क्या कलर छोड़ता हूँ क्या? बड़ू, लेकिन जो भी है, आज बड़ू मेरा सपना पूरा हो गया. बड़ू, इतने बड़े फैन हैं आप शो के? नहीं नहीं, फैन वैन कुछ नहीं. पिछले एक हफ्ते से 2-2 घंटा सो रहा था, कल रात को 10 घंटा सोया ना, मेरा सपना पूरा हो गया, ऐसा बोल. खैर बड़ू, अपना भी सपना पूरा हो गया बड़ू. बहुत काम किया हम लोगों ने अपना. धूम 3, क्या बात है बड़ू. धूम 3 में मैंने आमिर खान के बाप का रोल किया बड़ू जी. लेकिन 2-3 सीन बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि आमिर खान मेरा बाप है. क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? तूने पिक्चर नहीं देखी क्या? देखिए, 4 सीन बाद मैं मर जाता हूँ, पूरी पिक्चर में वही चीरो है, बाप निकला ना बड़ू. अच्छा दादा, करने क्या है आप यहाँ? करने वाले हम कौन होते हैं बड़ू. हाय हाय. बड़ू लोग जिंदगी में बोल बच्चन ज्यादा नहीं देने का. बोल बच्चन से किसी को ज्यादा फायदा नहीं हुए ला है. सिर्फ 2 ही लोग को हुए ला है. किसको? एक रोहित सर और एक एबी सर. कमाले दोनों को हुए है. कृष्णा का भी कुछ करो, कब तक जग्गू बन का ऐसा ऐसा करता रहूंगा मैं. दादा बताओ तो सही, करने के आए हो आप? एक्चुअली बड़ू मैं एबी के साथ बहुत काम किया बड़ू लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ मैं अभी एबी को डायरेक्ट करूँ बड़ू. क्या है? तो मेरे पास एक सब्जेक्ट है, तो आप चाहो तो मैं सुना सकता हूँ. सुना दो स्टोरी अपना. नहीं दादा, सुनाने की जरूरत नहीं है. नहीं नहीं, नहीं सुनाऊंगा. आप बस आज्ञा दे, हम पहुंच जाएंगे शूटिंग पे. नहीं नहीं, नहीं सुनाऊंगा, पैसा काट लेंगे. तो मेरे को सुनाना तो पड़ेगा. बहुत मेहनत से लिखा, रात भर जाग के इसने.
तो पिक्चर का स्टोरी ऐसा है, हीरो एक आदमी है, ये वो खड़ा है इधर, मैं ऐसा पासा होता है ना ऐसा डाइस वैसा फेंकता हूँ, 6 नंबर आता है, वो हीरो ऐसा 6 नंबर पे चलता है, फिर सीढ़ी पकड़ता है, फिर पीछे आता है, फिर सीढ़ी पकड़ता है, फिर उसको सांप काट लेता है। ये तो सांप सीढ़ी है। जब वो लूडो कर सकते हैं तो सांप सीढ़ी क्यों नहीं कर सकते बड़ो? खैर बड़ो, लेकिन मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा बड़ो, पेड़ लगाने का। पेड़ लगाना बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहता है बड़ो। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, घी मिलता है। घी कहाँ मिलता है पेड़ से? तो सब पेड़ से ही लेगा क्या? इतने स्पॉन्सर है, घी मंगाना किसी से बड़ो? एक मिनट बड़ो, मैं एक मिनट, फोन आ गया बड़ो मैं। हाँ टाइगर, तू क्या लेट बजा रहा है, इतना उठा लिया ना क्या? क्या एक तो दिख रहा है उठा लिया फिर भी बजा रहा है। आप भेड़ो लोग, ये लोग। हेलो, हाँ टाइगर, क्या तेरा जूता नहीं मिल रहा है? अरे वो जो मेरा नया गुलाब का पेड़ है ना, वो तेरे जूते में ही लगाया मैंने। हाँ वो पहन के जा, चल बेड़ो। ओके ओके बेड़ो। दादा जूते में कौन लगाता पेड़? अरे ये तो कुछ नहीं, मैं कहीं भी पेड़ लगा लेता हूँ। पता है ये परसों एक आदमी सो रहा था ऐसा मुंह खोल के। मैं उसका मुंह में मिट्टी डाला और आलू का पेड़ उगाया। ओह माय गॉड। दादा आलू तो जमीन के नीचे। मेरे को मालूम था तू ऐसे ही बोलेगा, फिर मैं वो आदमी को जमीन के नीचे गाड़ के आया। खैर बड़ू, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत फिल्में देखा आपकी, वो पिक्चर देखा था मैं, करोड़ों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अरे जब हीरोइन इतनी खूबसूरत हो ना तो ख्वाहिशें हजारों नहीं करोड़ों पे पहुंच जाती है बड़ो। खैर मैं बहुत अच्छा लगा बड़ो इधर आके, मैं चलता हूँ, मेरे आने का टाइम हो गया है। दादा जाने का टाइम होता है, जिधर जाना है ना उधर आने का टाइम हो गया बड़ो। मैं चलता हूँ, बॉब विश्वास के लिए आप लोगों को गुड लक, पिक्चर सुपर हिट होंगे अपनी जवानी में। दादा थैंक यू, लव यू, लव यू, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।